जहां एक तरफ कंगारू खिलाड़ियों ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की खातिरदारी के लिए अभी से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं और टीम इंडिया से वो ऐसे कठिन से कठिन सवाल पूछे कि जिसका हर जवाब टीम इंडिया के बल्लेबाजों को देना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के पास एक ऐसा खिलाड़ी भी हुआ करता था कि वहां पर कंगारू खिलाड़ी फिर चाहे कितनी ज़्यादा गालियाँ दे लें या फिर कितनी ज़्यादा स्लेजिंग कर लें, लेकिन इस खिलाड़ी पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था और वो एक तरफ से वाल बन करके कंगारू खिलाड़ियों की जबरदस्त गेंदबाजी का हर एक उसके पास जवाब होता था। हम बात कर रहे हैं चेतेश्वर पुजारा की। जी हाँ फ्रेंड्स, चेतेश्वर पुजारा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के बाद से 1.5 साल से टीम इंडिया से गायब चल रहे हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टीम इंडिया के लिए इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो हो सकता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया घर पर खेलते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ 46 रन पर ऑल आउट हो गई है, इन चीज़ों को टीम ऑस्ट्रेलिया बहुत ही करीब से देख रही है और लेंस लगा करके टीम ऑस्ट्रेलिया अपने नोट्स तैयार करने में लगी हुई है। यहाँ पर टीम इंडिया 50 रन के स्कोर को भी नहीं छू पाई थी, वहीं पर हमारे पास एक ऐसा खिलाड़ी होता था चेतेश्वर पुजारा के नाम से कि उससे कितने भी कठिन सवाल क्यों ना पूछे जाए वो अपने शरीर को आगे करके सारी गेंद अपने शरीर पे खा लेते थे लेकिन अपना विकेट नहीं देते थे। और ओवल में खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद से ही चेतेश्वर पुजारा 1.5 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेतेश्वर पुजारा की फॉर्म बेकार चल रही है। चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट और रणजी मैचेस खेलते हुए हर बल्लेबाज को यह बता दिया है कि उनको टेस्ट में भले ही मौका ना दिया जा रहा हो लेकिन उनके बल्लेबाजी में कोई भी कमी नहीं आई है। और इसी बात का उदाहरण देते हुए चेतेश्वर पुजारा ने रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाफ एक शानदार शतक लगाया है और इस शानदार शतक में चेतेश्वर पुजारा ने 197 गेंदें खेली हुई हैं। इसी के साथ चेतेश्वर पुजारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 66 सेंचुरी मार करके ब्रायन लारा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। आपको बता दें कि ब्रायन लारा जो कि काफी दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं, ब्रायन लारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी तक 65 शतक लगाए थे और चेतेश्वर पुजारा ने उनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 66 शतक लगा दिए हैं। साथ ही साथ चेतेश्वर पुजारा इतने महान बल्लेबाज हैं कि उन्होंने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 50 के अधिक औसत से अभी तक 21,000 रन भी बनाए हैं और चेतेश्वर पुजारा लगातार अपने बल्ले से रन बना करके टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर टीम इंडिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा को नहीं खिलाया जाता है तो ये लॉस मेरे ख्याल से चेतेश्वर पुजारा का ना होकर के टीम इंडिया का लॉस होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया 46 रन पे आउट हुई थी और 50 रन को भी नहीं पार कर पाई थी उससे एक बात तो साफ साबित होती है कि टीम इंडिया के जो बल्लेबाज हैं या तो बहुत ही ज्यादा रन बनाएंगे या फिर अगर उनको फ्रेंडली पिच नहीं मिलेगी तो वहां पर ऐसे ही आउट हो सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो लेंस लगा करके टीम इंडिया के लिए सिलेबस से नए नए नोट्स बना रही है वो वहां पर काफी कठिन सवाल पूछने वाली है और टीम इंडिया को बिल्कुल भी स्पिन फ्रेंडली या फिर जैसी टीम इंडिया पिच चाहती है बिल्कुल भी वैसी नहीं मिलेंगी। ऐसे में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाजों का होना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लाजमी बन जाता है, लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से चेतेश्वर पुजारा को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जिस तरीके से वो लगातार रन भी बना रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल में जब से वो टीम इंडिया से बाहर है तब तक उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 16 मैचेस खेले हुए हैं और इन 16 मैचेस में भी चेतेश्वर पुजारा ने 6 शतक जड़ दिए हैं। सो गाइस, आपको नहीं लगता है क्या कि चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जरूर मौका मिलना चाहिए। वहीं अगर सौराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के इस मैच की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 578 रन का विशाल स्कोर बनाया था और सौराष्ट्र टीम से खेलते हुए 2 विकेट सौराष्ट्र टीम के 81 रन पे ही गिर गए थे और उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं चेतेश्वर पुजारा और टीम को काफी ज्यादा संकट मोचक बन करके अपनी टीम को संकट से बाहर निकाल करके शतकीय पारी खेलते हैं और ऐसी पारियों की जरूरत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी पड़ने वाली होगी, क्योंकि वहां पर जब नई गेंद होगी तो ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है कि जल्दी विकेट गिर जाए और वहां पर एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होगी जो चेतेश्वर पुजारा की तरह ही बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को वहां से खतरे से निकाल सके
और मौजूदा स्थिति में जो भी प्लेयर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चेतेश्वर पुजारा जैसा टेस्ट में फिलहाल कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं नजर आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेलते हुए चेतेश्वर पुजारा ने जो शतक मारा है, उसी शतक के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चेतेश्वर पुजारा के 21,000 रन पूरे हो गए हैं और पुजारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 4 भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन टीम इंडिया की तरफ से सुनील गावस्कर ने बनाए हैं, जिनके नाम पर 25,834 रन हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं, जहां पर उन्होंने 25,396 रन बनाए, और तीसरे नंबर पर है राहुल द्रविड़, जिन्होंने 23,784 रन बनाए हैं। और पुजारा इस लिस्ट में अब चौथे नंबर पर आ गए, जहां पर उनकी औसत की बात करें तो 50 से ज्यादा की औसत से अभी तक वो 21,000 रन बना चुके हैं। जहां पर राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के साथ चेतेश्वर पुजारा का नाम लिया जा रहा है, और टेस्ट क्रिकेट से चेतेश्वर पुजारा 1.5 साल से जो बाहर चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये अपनी पोजीशन डिजर्व करते हैं या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड अपडेट्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।